हमार विंध्य स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, अपना पंच देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। मध्य प्रदेश पटवारी संघ तहसील शाखा मऊगंज पटवारीन के निलंबन के विरोध माही कलेक्टर के नाम तहसीलदार सुरेंद्र मिश्रा का ज्ञापन सौंपीन ही बे। बतावा जात है कि अलग अलग तहसीलन के 6 पटवारीन का बिना कौने आधार और बिना कौने सूचना दिए सीएम हेल्पलाइन में लापरवाही बरते के आरोप में निलंबित कर दिन गया। वह निलंबन वापस न हो के हालत में तहसील के सलगे पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाए खातिर मजबूर हुई ही, जेकर सलगे जिम्मेदारी शासन और प्रशासन के हुई। कितने आवेदन दे रहे हैं, जबरदस्ती बात आ रही है कि बंद करिए और इस सीएम हेल्पलाइन बंद न करने के काम हम लोगों को सस्पेंड किया जा रहा है और जान बूझ के प्रताड़ित किया जाता है। भाई हम लोग इसमें सीएम हेल्पलाइन का दबाव मानते और जबकि क्या है अधिकारी हम लोग रिपोर्टर हैं और बंद कराने की जवाबदारी ऊपर वाले अधिकारियों की। हम लोगों को कहते हैं बंद करिए, करवाइए, नहीं सस्पेंड करते। तो सब की मांग क्या है? मांग है सर, हम लोगों को ये भाई ये बोलो गहलोत अधिकारी हम लोग रिपोर्टर हैं, हमसे रिपोर्ट ली जाए और जो बंद कर रहे हैं ऊपर वाले अधिकारी को बंद करें। मऊगंज क्षेत्र में ही बिजली पानी के भीषण समस्या के समाधान कले के मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेन सिंह बन्ना सैकड़न पार्टी नेता और कार्यकर्तन के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंच गए, जहां पूर्व विधायक भाजपा सरकार का आड़े हाथे लय के कहीन के जनता बिजली पानी सड़क जैसन मूलभूत समस्याओं खातिर जूझल ला ही बे। ए समय वो कहीन के भाजपा सरकार में ही बिजली पानी और सड़क के व्यवस्था चौपट ही बे, जेकर निदान हमारे मांग के अनुसार हो चाहिए, नहीं तो हम बड़े जन आंदोलन खातिर तैयार हैं। की गंभीरता को और समस्या को देखते हुए आज अनुविभागीय अधिकारी और समस्त विभाग के अधिकारियों से मिलने अपनी बात कहने को आए कि जो इस तड़पती धूप में आम जन पीड़ित हैं, परेशान हैं, उसके निदान के लिए ये कार्यक्रम विशेष रूप से आज रखा गया था। ये तो आप जानते हैं कि अगर निदान नहीं होता है तो फिर इसके लिए बड़े आंदोलन होते हैं, होते रहेंगे। कुछ नगर परिषद की समस्याओं को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है, हमने अधिकारियों को बुला लिया है इस संबंध में, ज्ञापन की प्रति इनको दे करके समस्याओं का सीधे निराकरण जो है करने के निर्देश दे रहे हैं, ये निराकरण करके अवगत कराए हैं। साडोल के उमरिया और अनूपपुर जिला माही आतंक के दूसरे नाम बन चुके कुख्यात अपराधी अनिल यादव और पिंटू यादव, जौन के हरदी थाना सुहापुर के अवैध अतिक्रमण करके मकान बनाए रहे, ओका पुलिस प्रशासन के टीम जमींदोज कह दिन। वह ऐसा दुर्दांत आरोपी के ऊपर एमए के कठोर कार्रवाई हो से अपराध कराए वाले अपराधी माही खौफ बनी, जैसे ऐसा लोग अपराध करे से डरे ही और समाज में अमन और शांति बनी रही। ग्रामीण विकास के बड़ी लापरवाही कई के प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना माही हितग्राहीन का समय में किस्त न दे और शासकीय निर्देश के अवहेलना और अपने कर्तव्य में जानबूझ के लापरवाही करे के कारण प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं विकास आयुक्त उमाकांत उमराव के द्वारा प्रदेश के 3 जनपद पंचायतन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी। बुलेटिन की अगली खबर रीवा के सरैया से है, जहां बिजली के शॉर्ट सर्किट होने के कारण घरे में आग लग गए। ये आगजनी माही घरे में बाधा पशु घलाए जलेगा। यह घटना सरैया के बताई जाती है, जहां राकेश पटेल के घरे में बिजली के शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग गए। वहीं मौका में पुलिस पहुंच के घटना के जांच करें ही। देश के सबसे छोट लोक गायिका मान्या पांडे का प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ट्वीट करके बधाई और शुभकामना दीन। प्रदेश के मुख्यमंत्री के तरफ से प्रदेश में ही अपराधीन के ऊपर कड़ी कार्रवाई और अपराधीन के अवैध संपत्ति में बुलडोजर चलवावे कलई के मान्या पांडे बघेली लोकगीत के तर्ज में ही गाना गायन, जो उनके सोशल मीडिया में चर्चित हो रहा है। मामा का चला बुलडोजर अपराधी का काप रहे थर थर, मामा का चला बुलडोजर अपराधी का कापी रहे थर थर, कापी रहे थर थर हभागी रहे डरे डरे, कापी रहे थर थर हभागी रहे डरे डर, मामा का
मामा का चला बुलडोजर अपराधी ता काफी रहे थर थर। बुलेटिन की अगली खबर गढ़ थाना क्षेत्र से है, जहां के टेहरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत राम भुवन पांडे के खरिहाने में आग लग गई। जोने के सूचना दिए के बाद एक घंटा के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके में पहुंची और तब तक घरे गृहस्थी के सलगा सामान जल के नष्ट हो गया। लोकायुक्त रीवा के पुलिस कार्रवाई कई के ब्रजनंदन दास साकेत पटवारी प्रभारी हल्का मढ़ा का 2000 रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार करी नहीं। बतावा जात है कि नक्शा तरमीन करावे खातिर आरोपी पटवारी 1000 रुपया पहले ले चुके रहे, वही पैसा लेके बाद तरमीन नहीं करत रहे। जोने के शिकायत पीड़ित लोकायुक्त एसपी से कई दिन वह शिकायत मिलता है। लोकायुक्त की टीम सीधी जिला के रामपुर नैकिन में किराए के घरे में रिश्वत लेते आरोपी का गिरफ्तार करी नहीं। रीवा के जेमच माही बिना बाही माँ मृत बच्ची का जन्म दिन तक कई एक बड़े रात से पर्दा उठा। एक पहले तक बच्ची का जन्म दिवावे वाले डॉक्टर का नहीं पता रहा कि लड़की के शादी नहीं भया। ये बात के खुलासा तब भा जब मृत बच्ची के लई के पुलिस पूछताछ शुरू करी। वह पुलिस के जांच में पता चला कि रेपिस्ट बालक घलाए नाबालिग है, जिसका गिरफ्तार कई के न्यायालय में पेश कई दिन गह। ये अभी 5 अप्रैल को संजय गांधी हॉस्पिटल में एक बच्ची एडमिट होती है और वहाँ से फिर वो एक मरी हुई बच्ची को जन्म देती है। उस बच्ची की उम्र करीब 17 वर्ष 10 माह के आसपास थी। पुलिस थाने को सूचना जाती है, थाने वाले इसमें संज्ञान लेते हैं, उस पर बच्ची से पूछताछ करते हैं। बच्ची की पूछताछ से निकल के आता है कि 2021 जुलाई में वो बच्ची जब अपने घर पर थी तो बच्ची के ही समाज का पड़ोसी लड़का है, वो भी करीब 17 वर्ष और बच्ची से 10 दिन छोटा है, तो उसने उसके साथ में ये हरकत की थी जिसके कारण से बच्ची प्रेग्नेंट हुई। उसके बाद जब उसको पेट में कुछ दर्द वर्द हुआ तो उसकी माँ नहीं थी बच्ची को, तो पिता को बताया, पिता ने फिर पड़ोसी को बताया और उसके बाद बच्ची को SDM में जिला के भर्ती किया। बच्ची को जानकारी के आधार पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए प्रकरण पंजीबद्ध किया और विवेचना की और हरकत करने वाले वो सपचारी बालक को भी पुलिस ने अभिरक्षा में ले लिया था और उसको पेश कर दिया गया है, बाल संरक्षण गृह चला गया है और पुलिस अपनी वैधानिक कार्रवाई कर रही है। आज खातिर इतने, बघेली में खबर खातिर देखते रहिए मारविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।